that subscribe button to subscribe to my channel and click the bell icon to be the first one to get notified for my new uploads. हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. आपका स्वागत है मेरे एक नए पेरेंटिंग वीडियो में और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस वीडियो को बनाने के लिए और आपसे डिस्कस करने के लिए कि कैसे हम अपने बच्चों को गोरा बना सकते हैं. अब ये जो टॉपिक है ये मेरे बिल्कुल भी दिमाग में नहीं था, लेकिन मैं अभी एक दो दिन पहले YouTube वीडियोस देख रही थी तो जो साइड में सजेशंस आते हैं उसमें जो है कम से कम 10 से 15 वीडियोस ऐसी थी जिसमें बस यही लिखा था कि आप अपने बच्चे को गोरा कैसे बना सकते हैं, आप ये लगाइए तो बच्चा गोरा हो जाएगा, आप ये खिलाइए तो बच्चा गोरा हो जाएगा. तो मैंने सोचा कि ये एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है और मैं इस पर बनाती हूँ एक वीडियो. सबसे पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख है इस बात का कि आज भी कलर डिस्क्रिमिनेशन कितना ज़्यादा है इंडिया में. गोरा अगर बच्चा नहीं है, सांवला है बच्चा, तो क्या हो गया? क्या मदर फादर का जो प्यार होता है वो अपने बच्चे के लिए कम हो जाता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. और दूसरी बात ये कि हम क्यों इतना ट्राई कर रहे हैं अपने बच्चे को गोरा करने के लिए. अल्टीमेटली हमें इम्पॉर्टेंट है कि उसकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, उसका दिमाग तेज होना चाहिए, ना कि वो बहुत गोरा होना चाहिए. आप खुद से सोचिए कि आपका बच्चा बड़ा हुआ, बहुत गोरा है, बहुत सुंदर है, लेकिन कुछ नहीं कमाता, कुछ नहीं करता. और एक बच्चा है जो बहुत काला है, कोई बात नहीं, बहुत काला है, लेकिन वो एक IITian है या फॉरेन में है या बहुत अच्छा कमा रहा है, उसका नेचर बहुत अच्छा है, अपने माँ बाप की हेल्प कर रहा है, तो आप क्या चूज़ करेंगे, एक गोरा लड़का या एक काला लड़का? तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि कलर डिस्क्रिमिनेशन आप मत करिए. जो भी आपका बेबी है आप उसकी अच्छे से देखभाल करिए, यही हमारा एक अल्टीमेट एम होना चाहिए. अब मैं आपसे बात करूंगी कि जो बच्चे का कलर होता है वो कलर बेबी पेट से ही लेकर आता है. जो भगवान ने उसको दे दिया, जो आपके जीन्स में है वो उसने ले लिया. तो जो उसका स्किन कलर होता है, जो उसके हेयर का कलर होगा, जो उसके आईज का कलर होगा, वो सारी की सारी चीज़ें इनहेरिटेड होती हैं. और वो जब उस जायगॉट फॉर्म होता है एक मदर के वॉर्म में, उसके बाद से ही उसकी जो जीन्स की कलर्स होते हैं वो ऑलरेडी डिसाइडेड होते हैं. तो हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते. अगर बच्चा आपका सांवला हुआ है तो वो सांवला ही रहेगा. बस आप एक चीज़ ये कर सकते हो कि आप उसकी देखभाल करिए, उसकी अच्छे से मालिश करेंगे तो जो बच्चे का कलर है वो बस निखरेगा. एक ग्लोइंग स्किन होती है, सांवले लोग भी बहुत सारे ग्लोइंग स्किन के साथ होते हैं और गोरे लोग भी कई सारे पिंपल्स ब्लेमिशेस के साथ होते हैं. तो इसलिए हम इसमें आज के वीडियो में यही बात करेंगे कि गोरा बच्चे को बनाने एम नहीं होना चाहिए, बच्चे को हेल्दी कैसे बनाएं ये हमारा एम होना चाहिए. तो जैसा कि मैं आपसे बात कर रही थी कि हम बच्चे को गोरा नहीं बना सकते, बस हम इतना कर सकते हैं कि उसको हेल्दी बना सकते हैं, उसकी अच्छी से केयर करने से उसकी स्किन को हम ग्लोई बना सकते हैं. अब बच्चे की स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग कैसे बनाएंगे? तो जैसे कि विंटर सीजन चल रहा हो अगर आपका, तो आप बच्चे की वॉर्म ऑयल से मसाज करिए. ऑयल भी चुनना एक बहुत ही कठिन कार्य है. ऑयल आप वही चुनिए जो थोड़े से थिक होते हैं और ज़्यादा देर तक बच्चे की बॉडी पर रहेंगे, जिससे कि बच्चे की जो बॉडी है उसको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मॉइस्चराइजेशन मिलेगा. अब सर्दियों के दिनों में आप ट्राई कर सकते हैं बादाम का ऑयल, फिगारो हो गया जो कि एक ऑलिव ऑयल है, और मस्टर्ड ऑयल. मस्टर्ड ऑयल से कई लोग बोलते हैं कि बच्चों को टैनिंग सी हो जाती है, तो अगर आप मस्टर्ड ऑयल नहीं भी यूज़ करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, बट आलमंड ऑयल और फिगारो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप इसको हल्का सा गुनगुना कर लीजिए, चाहे ओवन में कर लीजिए चाहे गैस पे कर लीजिए, और उससे अपने बच्चे को अच्छे से मालिश करिए. उसके बाद मैं आपको कहूंगी कि आपने मालिश कर दिया, उसके बाद या तो आप स्पॉन्ज करिए अपने बच्चे को और या तो फिर उसको अच्छे से नहलाइए. नहाने से जो फ्रेशनेस बड़े लोगों में आती है वही सेम चीज़ आपके बच्चे में भी आएगी. अगर सर्दियों का दिन है तो आप एक दिन स्किप करके भी नहला सकते हो और गर्मियों में आप डेली भी नहला सकते हो. सर्दियों में बस आपको ख्याल इतना रखना होगा कि आप एक बंद कमरे में नहलाएं बच्चे को या बंद बाथरूम करके नहलाएं, जिससे कि बाहर और अंदर की
हवा क्रॉस ना हो रही हो, क्योंकि सारी ठंडक जो है वो हवा में ही होती है। बच्चे को अच्छे से नहलाने के बाद आप जो है बच्चे को फटाफट से मॉइस्चराइज करिएगा। एक अच्छे ब्रांडेड कंपनी का मॉइस्चराइजर लीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि हिमालय एक बजट फ्रेंडली और बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है बेबीज के लिए। उनकी जो बेबी की रेंज है वो बहुत ही अच्छी है, अफोर्डेबल है। मैं बहुत हाई फाई प्रोडक्ट्स अपने बच्चे पर यूज नहीं करती, एक जेनरिक प्रोडक्ट्स ही यूज करती हूँ। तो बच्चे को अच्छे से आप मॉइस्चराइज करिएगा। और ये मत सोचिएगा कि मैंने एक बार मॉइस्चराइजर लगा दिया तो फिर लगा दिया, अब जरूरत नहीं है। पूरे अगर मैं ठंड की बात करूं तो पूरे दिन में आपको कम से कम 3 से 4 बार बच्चे को या तो आप ऑयल लगाओ और या तो फिर उसको अच्छे से मॉइस्चराइज करो, क्योंकि मॉइस्चर लॉक जो है बहुत देर तक नहीं टिकता है और ड्राइनेस हो जाती है, इचीनेस हो जाती है और फ्लेकी स्किन हो जाएगी अगर आप अच्छे से मॉइस्चराइज नहीं करोगे। तो मेक इट अ पॉइंट कि आप अपने बच्चे को अच्छे से मॉइस्चराइज कर रहे हो, नॉट इवन वंस बट आपको कई बार करना है उसको। उसके बाद कई सारे जो बच्चे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा बाल होते हैं पूरे बॉडी पे, उसकी वजह से भी आपके बच्चे का कलर शायद डल लगता हो, तो आप बेबी के लिए एक उपटन बना सकते हैं जिसमें आप बेसन, थोड़ा सा दही, दूध, अगर आपको सैंडलवुड पाउडर मिल जाता है या सैंडलवुड मिल जाता है तो आप वो भी डाल दीजिए, और फिर उसको अच्छे सा पेस्ट बनाकर बच्चे को धीरे धीरे करके रब करिए, और जब हल्का सा वो ड्राई हो जाए तो उसको ऑयल के साथ लगाकर निकाल दीजिए। तो उससे जो है बच्चे के जो बाल होते हैं वो निकल जाएंगे और फ्यूचर में भी जो आपका बच्चा होगा वो कम बालों के साथ होगा, बहुत ज़्यादा बाल नहीं होंगे, प्लस आपके बच्चे का जो स्किन का कलर है वो भी निखरेगा। जो बाल हैं वो इस समय इसलिए जल्दी टूट जाते हैं क्योंकि जो उनके रूट्स होते हैं वो बहुत कमज़ोर होते हैं, क्योंकि ये बेबी हेयर्स होते हैं। तो अगर आप ये चीज़ 4 साल बाद करोगे तो इतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा जितना कि अभी अगर आप करोगे तो वो इफ़ेक्टिव होगा। और जो लास्ट चीज़ मैं आपसे बात करना चाहती हूँ वो है कि बच्चे के खाने पीने पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। बच्चे को दूध हो गया, उसके बाद अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो थोड़ा थोड़ा करके आप उसको नॉन वेज चटाइए क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है। बच्चों को फ्रूट्स दीजिए और जंक फूड से जितना दूर रख सकते हैं उतना रखिए। अभी तो मेरा बेबी 5 मंथ्स का हुआ है तो अभी तो वो टोटली मेरे ब्रेस्ट फीड पर ही है, लेकिन अगर आपका बच्चा बड़ा है, 7-8 महीने का है, 9 महीने का है, तो वो कुछ ना कुछ अब ऊपर का खाने ही लगा होगा। तो आप ट्राई करिए कि उसको डिफरेंट फ्रूट्स ट्राई कराएं, वेजिटेबल्स ट्राई कराएं, क्योंकि मैंने कई बच्चों को देखा है जो खाने से बहुत कतरते हैं। अगर आप एक रोटी दे दोगे तो उन्हें 1 घंटा लग जाता है खाने में। तो आप बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप करिए खाने की तरफ और बच्चों को अच्छे से अच्छा खाना दीजिए जिससे कि उनकी हेल्थ बने। बाजार में अगर आपका बच्चा बड़ा है, दो साल तक का है या 3 साल तक का है, तो आप उसको कॉम्प्लान हो गया, हॉर्लिक्स हो गया, या आप अपने पेडियाट्रिक से लिखवा भी सकते हैं कि इसकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए हम कौन सा सप्लीमेंट इसको दूध के साथ दें। तो मैं लास्ट में आपसे यही कहना चाहती हूँ कि बच्चा काला हो या गोरा हो, आप कलर डिस्क्रिमिनेशन मत करिए, क्योंकि यही जो बात आप अपने हस्बैंड के साथ कर रहे हो, आप अपने रिलेटिव के साथ कर रहे हो कि ये काला है ये गोरा है, यही चीज़ हम पास ऑन करते हैं अपने बच्चों को भी, तो उनके अंदर भी एक डिस्क्रिमिनेशन की भावना आ जाती है। उनको भी यही फील होता है कि शायद मैं गोरा नहीं हूँ इसलिए मुझे ये काम नहीं मिला स्कूल में, या शायद मैं गोरा इसलिए मुझे ये अपॉर्चुनिटी है, ये बून है मेरे लिए। तो ऐसा आप बच्चों के सामने बिल्कुल भी बात ना करें और बिल्कुल अपने दिमाग से भी ये बात निकाल दें। बच्चे सारे इक्वल हैं, सारे कलर्स इंडिया में पाए जाते हैं और हमको सारे कलर के स्किन के कलर्स के लोगों को रिस्पेक्ट देना चाहिए। सो स्टॉप मेकिंग एफर्ट्स या स्टॉप आस्किंग पीपल हाउ टू मेक योर बेबी फेयर। हर बेबी बहुत प्यारा है, बहुत अपना है, सबके बेबीज बहुत अच्छे होते हैं, भगवान का रूप होते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और इसी के साथ मैं साइन ऑफ करती हूँ और अपने नेक्स्ट पेरेंटिंग वीडियो में आपसे मिलूंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, और बहुत सारे मैंने पेरेंटिंग पे वीडियोज़ बनाए हैं उसकी प्लेलिस्ट मैंने यहाँ पर डाल दी है,
तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट पेरेंटिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।